नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां दुधवा नेशनल पार्क जंगली पशुओं की कब्रगाह बनता जा रहा है। दरअसल दुधवा नेशनल पार्क में 6 वर्षीय नर गैंडे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गैंडे के शव को लेकर जांच पड़ताल की। अफसरों की आशंका जाहिर है कि प्रथम दृष्टि आपसी संघर्ष में नर गैंडे की मौत होगी, वहीं एक और गैंडे की मौत ने पार्क प्रशासन की कार्यवाही की पोल खोल कर रख दी है। बता दें, दुर्लभ वन्य जीवों को बचाने के लिए दुधवा पार्क प्रशासन नाकाम आप साबित होता है। इससे पहले भी पार्क अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई दुर्लभ वन जंतु काल के गाल में समा चुके हैं। बहरहाल गैंडे के शव के पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। वहीं दुधवा नेशनल पार्क के दक्षिणी सोनारीपुर रेंज के ककरहा कंपार्टमेंट 6 की घटना बताई जा रही है। अभी अधिकारी गैंडे की मौत को लेकर कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। अब देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।